सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। शो स्पेशल है, मेरी तैयारी भी स्पेशल है और स्टूडियोज में आज मैं नहीं हूँ क्योंकि आज हम कुछ सियासी मौजूदात पर बात करने नहीं वाले, लेकिन सियासी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज हम उनसे कुछ मुख्तलिफ अंदाज से बात करेंगे। आज हम उनसे वो गुफ्तगू करेंगे जो शायद इससे पहले हमने नहीं की। शायद इस तरह के छुपते हुए सवाल नहीं करेंगे जो हमेशा हम करते हैं और ज़ाहिर है वो सियासी मौजूदात पर ही होते हैं। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं और जितनी उनकी तबीयत ठंडी और कमगोसी है कि वाकई वो ऐसे हैं, क्या अंदर से भी इतने ही ठंडे हैं कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता? जो शादी हुई क्या वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं, कुछ आपके भी जहन में होंगे, वो भी मैं करूँगी। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं हम सब के फेवरेट सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भाभी भी हमारे साथ हैं, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आज के दिन आप लोगों ने मेरी टाइम निकाला। थैंक यू। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और आपके तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। थैंक यू, हमने आपको बहुत। अच्छा, यहाँ से मैं गुफ्तगू आगाज़ करती हूँ, कैसे हुई शादी? ये तो मैंने सुना है कि कज़न्स थे, लेकिन होता ही हूँ है कि कज़न्स जो होते हैं वो पहले तो बहन भाइयों की तरह ही होता है, भाई कह रहे होते हैं, बाद में पता चलता है इनसे शादी हो रही है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। कज़न्स थे लेकिन मतलब बहन भाई इस तरह नहीं बोलते थे। अच्छा। इनका मैं नाम ही मालूम था बचपन से कि शादी होनी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, कज़न्स थे। अच्छा, कज़न्स थे जी। पसंदीदगी थी यहाँ से या आपकी तरफ से? कभी आपको यहाँ से एहसास हुआ? बिल्कुल यहाँ से एहसास। अच्छा, ऐसा था कि पसंद से है? अच्छा। हाँ। याद पता चल रही है सबको? नहीं, सबको पता है। अच्छा, तो पसंद थी, आपने कभी इजहार किया, कभी पता चलने दिया भाभी को शादी से पहले? हाँ, पता था। जी जी, बिल्कुल। तो आपकी तरफ से भी था कि हाँ ठीक है? नहीं, मैंने ना जबरदस्ती कराई, पता था जब भी। नहीं, अमूमन ऐसा होता है ना कि वन साइडेड होता है, उसके बाद फिर नहीं नहीं दोनों तरफ से। तो कैसे हैं ये हमारे सईद भाई, सईद साहब कैसे हैं? जितने कमगो नज़र आते हैं, जितने ठंडे नज़र आते हैं, इतने बड़ी बड़ी तनकीद का ठंडे अंदाज से जवाब देते हैं, घर में भी ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं। आप पे भी कभी भी नहीं, बच्चों पे नहीं, भी नहीं? कभी। किसको आता है गुस्सा? तो यहाँ जो गुस्सा आता है उसमें आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं? चुप हो जाते हैं? चुप हो जाता हूँ, ठीक हो जाता। मान लेते हैं बात? बस कभी मान लेता हूँ, कभी नहीं। ज्यादा मान लेते हैं या मनवाते हैं? मनवाते हैं। खामोश रह के? खामोश रह के, बस आपको एक वही सियासी शायद अंदाज है कुछ इस तरह के, वो मनवा लेते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि इनको गुस्सा आ गया है? खामोश हो जाते हैं इसलिए पता चल जाता है? खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलता। अच्छा, बड़ी ईद है तो ज़ाहिर गोश्त और बारबेक्यू, तो आप खाने पीने के शौकीन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बड़ा ज़बरदस्त है, खाने पीने का शौकीन नहीं। कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके जाता है, तो आपने दिल में कैसे रास्ता बनाया जब ये खाने पीने के शौकीन नहीं है? नहीं, लेकिन अच्छा खाना इनको अच्छा लगता है, जैसे अच्छा। मैं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी जो बनाती थी तो उनको अच्छा लगता था। अच्छा, तो क्या तैयारी होती है फिर बड़ी ईद में अगर खाने का शौक नहीं है, कुछ फरमाइश करते हैं भाभी से? नहीं, ईद पे कोई खास फरमाइश नहीं करता, खाना मैं कोशिश करता हूँ घर का खा लूँ, सादा खाता हूँ, वन डिश खाता हूँ। मल्टीपल फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी आम और चावल। ये कैसा कॉम्बिनेशन? सीरियसली भाभी? हाँ जी। ये कैसा कॉम्बिनेशन, आम और चावल? हम खाकर देखे। सीरियस? जी। मतलब आम के सीजन में सिर्फ आम चावल। और ये आम का सीजन है? जी जी। तो कौन से राइस? व्हाइट राइस? व्हाइट राइस। उसके साथ आप? जी आम। मैंने कभी नहीं, मतलब आप भी खाती हैं? मैं इतना नहीं। अच्छा, पहले कुछ खा के उसके बाद थोड़ा सा चेक कर लें। नहीं नहीं, मैं तो अगर लंच में भी होता है, डिनर में भी हो जाता है। इतना पसंद है जी। तो ये आम के सीजन में तो यही होता होगा फिर फेवरेट डिश? मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर ईद, ये बड़ी ईद पे क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग फर्स्ट डे कुर्बानी के बाद? एक तो सियासी तौर पर हमारा एक ही तरीके का वालिद साहब के वक्त से चला आया है। अच्छा। सुबह नमाज के बाद कब्रिस्तानों में चले आते हैं, फिर जो इलाके में लोगों की जिनकी डेथ हो जाती है उनकी पहली ईद होती है, उनके यहाँ जाते हैं ताजियत के लिए, फिर सारे लोगों का मिलना मिलाना हो जाता है, तो सारा दिन तो इसी तरह गुजर जाता है। अच्छा। हाँ, बस। और आपका दिन कैसे गुजरता है?
मेरा दिन इनके गेस्ट आते हैं उनके साथ सारा दिन बिजी होता है। तो फिर फैमिली को टाइम कब देते हैं, कब मिलता है टाइम? फैमिली को तो टाइम बिल्कुल नहीं देने के बराबर, लेकिन अभी रिसेंटली हमने इनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। अच्छा, तो वो फिर हमने जाके थोड़ा सी साइड पे इनको इनके मतलब कई सालों बाद शायद इकट्ठे गए सब, कई सालों अच्छा। के बाद जी इनके भाई बहन भाई सब हमारे एक्चुअली फैमिली में जुलाई में कोई 12-13 बर्थडे है पूरा महीना बर्थडे वो सबकी इकट्ठे कर ली थी। तो इनके पास टाइम तो होता नहीं है, तो फिर मैंने कहा जो 8 जुलाई इनकी बर्थडे है फिर सब उस पे ही सेलिब्रेट करते, मेरी भी जुलाई में ही होती है। आपकी भी जुलाई में? जुलाई में। बच्चों की भी नहीं, मेरे बच्चों की तो नहीं है, लेकिन मतलब इनके कजन्स की, इनकी उस तरह या इनके दूसरे भाई भाई की है, बहन की है, तो बर्थडे सेलिब्रेट करके ये टाइम एक साथ स्पेंड कर लेते हैं। तो इस दफा कर लिया था इस दफा। अच्छा, वैसे नहीं होता? नहीं, वैसे हर साल नहीं होता। तो ये जो शिकवा होता है, ज़ाहिर है आप बहुत मसरूफ हैं, टाइम नहीं दे पाते घर में, कैसे इसको कवर अप कैसे करते हैं? वेकेशन पे ले जाते हैं? मेरा ख्याल है तो यूज्ड टू हो गए, बच्चे भी उनको अंदाजा है, आदि हैं। वेकेशन पे ये है कि 2-3 साल में कभी एक दफा छुट्टी मिल जाती है तो 10-12 दिन के लिए चले जाते हैं। मुश्किल से होता होगा? हाँ, वो बहुत मुश्किल होती है। उसमें आप फोन लेके साइड पर रखते थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं कभी ऐसा हुआ आप तंग आ गई और आपने कहा अब मैं फोन नहीं दूंगी आपको और आपने छुपा दिया? नहीं, ऐसा करती हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं जरूरी अच्छा, मनाता कौन है पहले, सॉरी कौन बोलते हैं? यही बोलते हैं, पता था कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आप मान लेते जल्दी अपनी गलती? नहीं, मैं तो ज्यादा मामला खराब करता नहीं हूँ। अच्छा, मामला बहुत खराब होते भी नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, वो बस मिनटों की बात होती है। और आप करती हैं सॉरी? मैं बिल्कुल कर तो कब करती हैं वैसे खवाती? मैं अपने उसमें बताऊं कि इसमें मुझे पता होता है मेरी गलती, तब भी मैं सॉरी नहीं करती। आप कैसे करती हैं सॉरी अगर आपको पता चल जाए मेरी गलती? नहीं, मेरी जब गलती होती है तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी नहीं, गलती कभी नहीं मानती है, लेकिन ठीक कर रहा था गलती नहीं मानती लेकिन ठीक कर रहा होता ना, चले चलना है। अच्छा, मतलब इतनी बिजी होते हैं, यकीन करें सच में इनसे प्यार से ज्यादा इन पे रहम मुझे ज्यादा होता है कि इतने बिजी होते हैं यार, अब इनसे क्या इनको तंग करूं, क्या इनसे वो करूं ना, तो फिर इस वजह से। अब आपको आदत सी हो गई इस जिंदगी की कि ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल, आपने एडजस्ट कर लिया? एडजस्ट कर लिया। तो कई दफा ऐसा मतलब होता मैं है? चाहती हूँ कि घर का माहौल अच्छा रहे ना, हाँ। तो उसकी वजह से फिर मैं कहती हूँ कि बस अब रिलैक्स रिलैक्स रहे, हाँ। और ये भी बाहर इतने टफ इनका काम है, तो फिर मैं कहती हूँ इतनी अंडरस्टैंडेबल है हमारी भाभी, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है इस तरह से हमारी, ठीक है। मतलब देखे ना, ये अगर मैं इतना टाइम देता हूँ सियासत को या अपने और कामों को, अगर मुझे घर में प्रॉब्लम हो तो मैं नहीं दे सकता, ये तो है, नहीं दे सकता हूँ। तो ज़ाहिर सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली फैमिली सेक्रीफाइस करती है, इसकी वजह से मैं टाइम दे सकता हूँ, जाहिर ये तो होता ही जी। अच्छा, एडजस्टमेंट जब आपकी हो रही होती है उस वक्त ही आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही होती है, फिर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, और कुछ वक्त तो ऐसा होता है शादी में कि आप हर चीज़ को बिना कहे समझ जाते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है, तो ऐसा होता है आप दोनों के मामला में कि आपको पता होता है कि यहाँ नो है या यहाँ येस है? नहीं, ये तो नहीं समझते, लेकिन मैं समझ जाती हूँ क्या हो रहा है ये तो बिल्कुल नहीं समझते फिर अच्छा कभी कभी ये होता है कि मैं नाराज़ भी होती हूँ ना, ये नहीं समझते कि मैं नाराज़ हूँ, फिर मुझे बताना पड़ता है, पता है आज मैं आपसे नाराज़ हूँ आप ही बताती हैं मैं क्यों नाराज़ हूँ, हाँ फिर मैं बताती हूँ, कहते अच्छा चलो अब ठीक है, अब सही हो जाओ, ये हो जाओ आप कहते होंगे कहाँ जाके मैं नाराज हो गई हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं सईद साहब, कभी आपने रैपिड फायर खेला है? कभी मौका मिला टीवी प्रोग्राम्स में खेला? कैसे आप रैपिड फायर में? वो तो सवालों पे डिपेंड करता है। अच्छा, क्विकली देना होगा, ये तो पता है ना। चले, अच्छा ये बताइए कि गाने का शौक? नहीं बिल्कुल नहीं, गुस्से पे तो मैंने पूछ लिया कि आपको कितना कंट्रोल है। क्या जिंदगी में दोस्त का होना जरूरी है? अगर है तो कितने दोस्त होने चाहिए, एक या ज्यादा? नहीं, दोस्तों का होना तो जरूरी है, मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा हो जिसके दोस्त ही ना हो, वो तो बदनसीब आदमी, इसके दोस्त नहीं है। तो दोस्तों की तादाद पे नहीं जा सकते, लेकिन अच्छे दोस्त होते हैं ना, बड़े महदूद ही होते हैं, 2-4-5 से ज्यादा हो नहीं सकते, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनसे आप हर बात कह सकते हैं, तो ऐसे तो 2-4 ही होते हैं। एक हो लेकिन नेक हो, बिल्कुल वो वाली पॉलिसी। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ दोस्त अच्छे हैं अच्छा, कुछ मुहावरे हैं, उन मुहावरों को सुन के आपके जहन में जिस भी सियासतदान का नाम आए तो आप ले सकते हैं, या आपके जहन में आए तो आप भी बता सकते हैं। एक अंडा एक कोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी।
दोनों के लिए ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी इमरान पे फिट है। आपका भाभी ऊंची दुकान फीका पकवान, इमरान खान। अच्छा, ऊंट के मुंह में जीरा, जमात का नाम भी हो सकता है, कोई जमात जहन में है। शेख रशीद, शेख रशीद उसकी जमात ऐसी है बेचारे की, दही कुछ नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, जमात के साथ एक ही एक ही सीट है, अपनी पार्टी है, अपनी एक ही बंदा है पूरी पार्टी में। ठीक, आप क्या आपके जहन में मुराद सईद, ऊंट के मुंह में जीरा, ओके इमरान खान के मुंह में सीरा। अच्छा, एक और बड़े मजे का मुहावरा है, नाम बड़ा काम कुछ नहीं, इमरान खान। वो इत्तेफाक है, सब उसी पे आते हैं ना, नाम ही बड़ा है काम कुछ नहीं, नाम बड़ा है काम कुछ नहीं। सीरियसली चले इस पर हम बात, नाम तो बड़ा है। अच्छा चले, अगर आप वैसे स्पोर्ट्स का शौक है कभी रहा, क्रिकेट का अभी भी बहुत है, अगर क्रिकेट खेलने का आपको कभी मौका मिले और छक्के छुड़ाने हो किसके, तो किसके छुड़ाएंगे, किस किस सियासतदान के? अच्छा, सियासतदानों की बात कर रहे हैं, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, कईयों के छुड़ा दिए, कईयों के छुड़ाने। अच्छा, ज्यादा ख्वाहिश किसकी है, कौन सामने तो उसको तो छोड़ना नहीं है बस। नहीं, उप सियासत में इस तरह तो खैर नहीं होता, वो तो पता है बहुत ठंडे हैं, लेकिन फिर भी चले। बस अभी वो अल्लाह खैर करेगा, अली जैदी से लड़ेंगे इलेक्शन। सुन रहे हैं ना आप, बच्चे कह रहे हैं अली जैदी। अच्छा क्यों भाभी ऐसा क्यों, आप भी नाम लेंगी? हमारी कंस्टिट्यूएंसी है क्या ना? हाँ जी बिल्कुल, इसलिए इसलिए सरताजपुर छक्के छुड़ा देंगे। कभी आपने सोचा कि आप भी सियासत में आए? नहीं, मैंने सोचा नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सियासत में तो ऐसा लगता है हमारा पूरा घर ही नहीं। ऐसा भी है, कई मिसालें हैं मियां बीवी दोनों सियासत में। नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा ना, मैं अकेले काफी, नहीं अकेले काफी, क्योंकि इतनी टफ लाइफ है। अब फिर मैं कहती हूं, अगर मैं भी इस तरह कुछ बच्चे छोड़ते। अच्छा अच्छा सही। अच्छा, कुछ बच्चों से भी बातें हो जाएं, बच्चों से भी मिलते हैं जी जी, उनके साथ कुछ ईद की भी बातें। सियासी बच्चे हैं हमारे, सियासी बच्चे हैं, किस किस को कितना सियासत का शौक है, आइए उनसे मिलते हैं जी। तो हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं और बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, अब जरा उनसे बात करेंगे और उनसे आज वो बातें करेंगे, वो सवालात करेंगे, कुछ अंदर की बातें भी मैं निकलवाऊंगी। तो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, बेनज़ीर हैं हमारे साथ, तो यहाँ से तारुफ ज़्यादा, हालांकि ये छोटी हैं, नरमीन बड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और उस्मान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, इतना सीरियस। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इतना स्पेशल नाम है बेनज़ीर, कितनी स्पेशल है? बहुत ज़्यादा। हाँ, वैसे तो हर बच्चा स्पेशल हो। हाँ नहीं, तीनों ही हैं हमारे लिए, लेकिन असल में इनके इनके नाम के साथ थोड़ा ये हुआ था कि इसका पहले नाम दूसरा था। अच्छा जी, जब बीबी की शहादत हुई थी तो ये कुछ मंथ्स की थी, तो साईं की तो हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ऐसी हो गई थी इनकी हालत, अभी मैं बयान नहीं कर सकती। तो फिर साईं ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का नाम बेनज़ीर रखूँ, ताकि मैं हर वक्त में अपनी कायद को अपने सामने, अपने उसको मैं एक लम्हे के लिए भी ना भूलूँ। तो इस वजह से फिर इनका नाम साईं है बेनज़ीर, ताकि मैं इसका नाम बेनज़ीर ही रखता हूँ। तो बेनज़ीर, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक शख्सियत थी, मेरी भी बहुत फेवरेट थी। तो आप को जब बार बार ये नाम लेके पुकारते हैं, मामा ये नाम लेके पुकारती हैं, दोनों बहन भाई, कैसा लगता है आप, कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, और मतलब एक लगता है कि मैं हूँ कुछ और आगे, मतलब मेरी ये है कि मैं उनके जैसी बनूंगी। ख्वाहिश है जी बिल्कुल, आपको सियासत में आने का शौक है? मेरा ये गोल है कि मैं सीरियसली बनूंगी, कि मैं देखती हूँ कि वो कैसी थी, वो बहुत निडर थी, पूछ लूं कि वो कैसी थी। हाँ। कैसी उनकी आदतें थी, उनकी हैबिट्स थी, वो क्या करती थी, कैसे करती थी, कि मैं भी वो अपने अंदर डेवलप करूं और मैं भी वैसे। तो जितनी निडर थी वैसे ही निडर आप बनना चाहती हैं। तो आपको ये शौक पहले से ही था या आप जाके डेवलप हुआ कि आपने सियासत में आना? नहीं, जब से मेरा नाम बेनज़ीर आया और मतलब बाबा को भी सियासत में देखा, तो फिर तब से ये शौक। अच्छा, ऐसा होता नहीं है अमूमन, बच्चे कहते हैं हमें नहीं आना पॉलिटिक्स में अमूमन, लेकिन ऐसा है। नरमीन को भी है, नरमीन आप बताएं, आपने भी आना है पॉलिटिक्स में? अच्छा वाह भाई, यहाँ तो सारे बच्चे तैयार बैठे हैं। हाँ, तो आपने आपने क्यों सोचा कि पॉलिटिक्स, बाबा तो इतने बिजी होते हैं, टाइम भी नहीं देते होंगे? लाइक बाबा के साथ पूरा पॉलिटिक्स ही पूरा घर में चल रहा होता है कि क्या डिस्कशन होता है, बच्चे कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं। तो मुझे बैरिस्टर बनना है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी मुझे जाना है। अच्छा
यानी कि आपने लॉ पढ़ना है जी, लॉ पढ़ना। बाबा ने भी पढ़ा लेकिन इनकम्प्लीट हो गया, लेकिन आपको कम्प्लीट करना है। बाबा ही सारे पढ़े इंटरेस्टिंग है मेरा है। अच्छा, और ये उस्मान साहब आपका क्या इंटरेस्ट है? मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है। ओके, क्या बिजनेस करना? कॉटन और क्लोथ्स। उस्मान बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस गोल है उस्मान के, कोई मजाक नहीं होना चाहिए। तो जब कॉटन टेक्सटाइल, व्हाई, मतलब कैसे सोचा आपने? जस्ट लाइक उसके बारे में सुना। ये कौन चाहता है अम्मा बाबा में से? कौन अब जाहिर मम्मा के साथ भी तो ना, वो दो बाबा कोई मम्मा के साथ भी तो होना चाहिए ना। मैंने तो एक्चुअली ये बच्चों पे छोड़ा है कि जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करे। अच्छी बात है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये बिजनेस करेंगे कोई मसला नहीं? मैंने इनसे कहा कि मैं चाहता हूं तीनों लॉ करूं। उन्होंने कहा मैंने करना है, इन्होंने कुछ और करना है, इससे बिजनेस करना है, ठीक है जहां कर ले जो जिसमें जो करना है वो करे। तो उस्मान ये बताओ कि आपको भी पॉलिटिक्स में आना है ये करने के बाद, जो भी कॉटन टेक्सटाइल? You will think about it. अभी नहीं सोचा आपने, लेकिन आपने कॉटन टेक्सटाइल में लगानी ही सोचा है। तो क्या सोचा, कितना बड़ा बिजनेस टाइकॉन बनना है? हाँ, सब आपको जाने। अच्छा, तो किस चीज का ज्यादा शौक है? क्रिकेट का है, स्पोर्ट्स में है शौक? कौन है फेवरेट? फेवरेट बेस्ट। और यहाँ से पाकिस्तानी टीम से? हैदर अली, न्यू टैलेंट। और आपका दिल चाहता है आप भी सिलेक्ट हो जाओ? क्या किस में अच्छे हो? बैटिंग में अच्छे हो, बॉलिंग में अच्छे हो, किस में अच्छे हो आप? विकेट कीपर। तो सरफराज अहमद पसंद है? सही, अच्छा नहीं है। सरफराज भाई को क्या बोलोगे? जस्ट वर्क ऑन योर जेनेटिक्स। अच्छा, अभी काम करने की जरूरत। अच्छा ये बताओ कि बाबा बहुत बिजी रहते हैं, तो बॉन्डिंग कैसी है बाबा के साथ? बहुत अच्छी है, टाइम निकालते हैं, बातचीत होती है, रात को जब घर आते हैं? और अगर नहीं हो घर पे, कहीं विजिट पर से अभी गए हुए थे ईद से पहले, तो कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात होती है? शिकायत तो नहीं टाइम ना देने की? नहीं, बात सही बताओ। सबको आपने आदत डाल दी। मीना जी आप बताओ कि बाबा जाहिर बिजी होते हैं और आप खुद भी चाहती हो पॉलिटिक्स में आना, तो फिर आपको ये नहीं फील होता कि इतना टाइम नहीं दे पाते? कभी शिकायत करती हो बाबा से? बाबा टाइम तो देना। नहीं, कभी शिकायत तो नहीं की, लेकिन मतलब जब छुट्टियां आती हैं तो फिर हम बाबा से जिद करते हैं कि अब चलें बाहर, अब बहुत टाइम हो गया हम नहीं गए, हमने तब भी टाइम मतलब टाइम स्पेंड नहीं किया, तो अब नाउ इट्स टाइम फॉर अस, टेक योर टाइम एंड लेट्स गो। मान लेते हैं, बात मान लेते हैं। हाँ, फिर कहते हैं मैं बात करता हूँ। बाबा किसकी सबसे ज्यादा बात मानते हैं तीनों में से? ये क्रेडिट ले रही है अपने नाम का। मम्मा की। बोल दो, बोल दो। मम्मा की तो बिल्कुल भी नहीं। हाय अल्लाह। बहुत सच्ची है ये। अच्छा, तो बेनज़ीर ये बताओ कि जब आप कहीं जाते हो ऐसे पब्लिक प्लेस पे, लोग जाहिर पहचानते हैं, आते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? आप अच्छा फील करते हो? करते हो क्या यार? नहीं, बहुत प्राउड फील करते हैं। प्राउड फील करते हैं ऑब्वियसली बहुत, और सिर्फ कराची में, पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी, मतलब हाँ डेफिनेटली कहीं भी जाते हैं तो फिर हमें और ज्यादा प्राउड फील होता है कि ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान से बाहर डेफिनेटली सब जानते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। या ये होता है बाबा क्या बस अब चले? नहीं, नहीं, नहीं। टाइम देते हैं फैंस को, लोगों को? बहुत, उनको ही सबका टाइम उनको ही देते हैं, हमें तो नहीं देते। ऐसा ही है, ऐसा ही नरमीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। तो क्या करती हो आप, मामा से बोलती हो या बाबा, कोई फरमाइश अगर करनी हो आपको, कोई बात मनवानी हो, यहाँ से लगती है सिफारिश या वहाँ से लगती है सिफारिश? सिफारिश मम्मा से लगती है। मम्मा से लगती है, मम्मा को बताती हूँ जो भी चाहिए, जो भी मुझे फरमाइश। और अगर मम्मा की भी सिफारिश ना लगे तो फिर बेनज़ीर की लगती है सिफारिश? हाँ, बेनज़ीर नहीं, फिर मैं बाबा के पास डायरेक्ट जाती हूँ, पर इसकी बात सुनी जाती है। अच्छा, ज्यादा कौन डांटता है? मम्मा। मम्मा डांटती है? बाबा सिर्फ पढ़ाई के मामले में डांटते हैं, मम्मा तो बस ये करो है ना। उस्मान से पूछते ना, उस्मान बताएगा। उस्मान ये बताओ ज्यादा कौन डांटता है, गुस्से वाला कौन है? बाबा गुस्से वाले हैं सिर्फ पढ़ाई के मामले में बस। हाँ। उसमें क्या करते, बस पढ़ो? हाँ, जब अगर छुट्टी कर ले तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हाँ। अच्छा, एक बच्चे आजकल ना मोबाइल फोन पे बहुत बिजी होते हैं, कैसे करते हैं आप दोनों उसको हैंडल, कैसे करते हैं इन चीजों को? नहीं, अब तो मोबाइल पे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये भी तो मसला हो गया है, मोबाइल पे ले रहे होते हैं। और बहुत सारी चीजें, ये तो आजकल गेमिंग में लगा हुआ है, ये बच्चे आजकल के हैं वैसे। हाँ। ऐसे बहुत चीजें बताएं। अच्छा, मोबाइल मिला तो शायद बताएं। हाँ, अब तो कोई बच्चों से बात करो फौरन गूगल करते हैं। आप भी करते हैं गूगल? करती हो आप करती हो फौरन गूगल करती हो? अच्छा, आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है गूगल की? नहीं होती ना, बाज़ोकात वो मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। अच्छा, ईद है
बड़ी ईद पे फेस्टिविटी होती है, जानवर आता है, मंडी जाते हो आप लोग? मैं जाता हूँ पर इस साल मैं नहीं गया। नहीं गए आप? क्यों, क्या वजह थी? बिजी थे कॉटन टेक्सटाइल में? फ्रेंड्स आए हुए थे। वैसे अगर मंडी जाते हो या बाबा से फरमाइश करते हो तो क्या कहते हो? एक तरीक़ेकार है, एक सेटअप है पूरा। कभी बाबा से फरमाइश करते बाबा आज दफ़ा बड़ा वाला जानवर लेके आइएगा? नहीं, मंडी जाते हैं फिर उधर ही सेलेक्ट करते हैं। करते नहीं, फरमाइश तो होती होगी ना? नहीं नहीं, ये अपने चाचू उसके साथ जाते। अच्छा, आप कभी नहीं जाते? नहीं कभी गए जिंदगी में? कभी नहीं गए? उसके बाद वो बचपन इतनी जल्दी खत्म हुआ। हाँ सही बात है। तो आप जाते हो मंडी चाचू वगैरह के साथ जाते हो? क्या फेस्टिविटी होती है बड़ी ईद की? पहले दिन जिस तरह बाबा ने बताया, मामा ने बताया कि वहाँ होते हैं घर में और उधर सारा होता है, तो आपकी क्या एक्टिविटी होती है? बस यही कि तैयार होके फिर थोड़ा। नहीं, जानवरों के साथ क्या एक्टिविटी? मैं अपने साथ ले जाता हूं पाकिस्तानों में। हाँ, ताकि वो मेरे वाले साहब मुझे ले जाते हैं, वही चीजें सारी। तो वो मैंने कंटिन्यू किया, हम जाएंगे कि हमारे बच्चे। बिल्कुल, उनको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह लेके चलना है। तो डर तो नहीं लगता? जैसे मुझे तो बहुत डर लगता है अभी भी। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। कि जब छुरी फिर रही होती है, कर लेते हो? नहीं, मुझे डर आप देख सकती हो, कुर्बानी कभी देखी है? आपको लगता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मैंने एक दफा की है, की है छुरी फेरी है बाबा के साथ। आपको डर लगता है? नहीं देख सकते, खून नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। मैं भी नहीं, मैंने भी नहीं, कभी नहीं ना। लेकिन अमूमन देखते हैं मर्द। आपने कभी कुर्बानी देखी है बेनजीर? मैं देख ही नहीं सकती, खून से क्या डर लगता है। असल में ये छोटा था ना, तब से इसके चाचू उठा के लेके जाते थे गोद में और इसको दिखाते थे। हाँ, तो ये तब से ये देखता ही है, इसको लेके जाते हैं सुबह। कौन इन तीनों में बहुत नॉटी है? बचपन में कौन था नॉटी सबसे ज्यादा? तंग किया आपको, जिच कर दिया? उस्मान है, लेकिन जिद्दी नरमीन है। नहीं, जिच कर देती थी नरमीन, ऐसा होता था? ऐसा ही आप कहती थी, ले जाओ इसको यहाँ से, ऐसा कभी होता था? आप करती है जिद? करती है। तो कैसे हैंडल करती है? बस क्या करती है? मैं इन तीनों का नहीं, कभी यहाँ की धमकी लगती है बाबा आ जाए फिर बताऊंगी? नहीं, उनको पता है बाबा तो हमारी बात मान लेंगे। अच्छा, फिर क्या करती है? फिर मैं गुस्सा करती हूँ ना, मैं मूड खराब, नाराज हो जाती, नाराज हो जाती, चुप हो जाती, नहीं करती। फिर ये लोग समझ गए कि अब मम्मा नाराज हो गई है। तो फिर और सबसे यहाँ पर इन तीनों में काम बच्चा कौन है? चुपचाप, मुझे तो ये लग रहा है अभी। नहीं, बेनजीर, बेनजीर है, बचपन से ऐसी है, बचपन से ऐसी खामोश तबीयत है। तो कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जो माँ बाप की बॉन्डिंग होती है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए, तो बच्चे जब बातें शेयर कर रहे होते हैं, ऐसा होता है? शेयरिंग हो रही होती है या यहाँ दोस्ती है या यहाँ दोस्ती है? तो हाय अल्लाह, किसी की नहीं। अच्छा, आप दोनों की है? लेकिन वो सीक्रेट्स वाली है। सीक्रेट्स वाली किससे? वो मम्मा से बातें करते हैं, बस मम्मा से शेयर होती हैं। अच्छा, हम लोगों ने इनको फ्रेंड्स की तरह ही रखा है। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल सही बात है। तो ज्यादा कौन बातें शेयर करते हैं? बेनजीर करती है। नरमीन किससे क्लोज है? बाबा से? नहीं, नरमीन भी करती मैं है। मैं मम्मा से क्लोज हूँ ज्यादा। हाँ, करती है, मम्मा से क्लोज करती है। अच्छा, और तीनों ही साईं के पास तो ज़ाहिर टाइम नहीं है। हाँ, तो तीनों मुझसे ज्यादा क्लोज हैं और बातें वगैरह करते हैं। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर बड़ी ईद की अपनी एक फेस्टिविटी होती है, बिजी होते हैं बहुत, तो फिर किस तरह से उस वक्त अच्छा लगता है कि चलो बाबा, चलो अब तो हमारे साथ हैं, या उस वक्त बाबा की कॉल आ रही होती हैं? उस दिन भी नहीं होते। ये बताओ उस्मान, माइक पे बताओ क्या होता है ये, बताएं आप सब, सब सुने। मैं तो बाबा के साथ ही होता हूँ, पर घर पे ज्यादातर हम लोग नहीं होते। नहीं होते? हाँ। लेकिन होते तो घर के कामों से बाहर है ना? नहीं नहीं, ईद के दिन तो बहुत ज्यादा, ईद के तीन दिन बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तीनों दिन इतने गेस्ट आ रहे होते हैं, इतने कुछ के, मतलब इनको खाने के लिए भी बुलाना पड़ता है कि आके कुछ थोड़ा सा खा ले। अच्छा, बिल्कुल। फिर तो भाई बहुत ही शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला इतने मसरूफ शेड्यूल में। तो बहुत शुक्रिया बच्चों, और अभी मजीद भी यहाँ पर बातें होंगी। ब्रेक में ले रही हूँ, लेकिन रिमोट को उठा के साइड पर रख दें, क्योंकि दिल की बातें आज हो रही हैं। तो सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ दिल की बातें इनसे भी करेंगे, कुछ ऐसे राज जानेंगे जो पहले कभी आपने नहीं जाने। स्टे विद अस। सईद साहब, लोग पार्टीज चेंज करते हैं, और कुछ लोग तो इतनी मौसमी अंदाज से करते हैं कि जो पार्टी किरदार में होती है उसी का हिस्सा बन जाते हैं। आपके मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्या बात है ऐसी? तो 2002 में किसी शख्स ने आकर कहा कि जी MQM ये चाहती है कि आप, मुझे नहीं पता उसको किसने कहा था, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो उसने आके मुझे कहा जी MQM चाहती है कि आप जो है ना उनके वो टिकट पर इलेक्शन लड़े ना, MPA मैंने जो भी अब चाहे। तो मैंने जिस तरह से उसको देखा ना, तो मैंने लव कृष्ण जी कहा, उसने कहा मैंने उनको पहले बताया था कि नहीं आएगा। आपने कहा देखा, उन्हें गलती हो गई मुझसे। तो मैंने उसको कहा कि बस देखना था मेरा, नहीं मैंने उनको पहले बताया था नहीं आएगा।
वेलकम बैक टू द शो। और जिस तरह हमारा आज का शो स्पेशल है, हमारे मेहमान स्पेशल हैं, तो कुछ दिल की बातें भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो आम तौर पर हम उनसे नहीं करते, जो आप नहीं सुनते, और ऐसी गुफ्तगु नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर मौजूद सियासी ही होते हैं। तो सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो सईद साहब कुछ दिल की बातें हो जाएँ, तो बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा बस एक तरह से नॉर्मल ही था, लेकिन मैं इस वक्त तो जो जानते लोग मुझे, मैं तो बड़ा सब्र तहमल वाला आदमी हूँ, बर्दाश्त भी बहुत करता हूँ, लेकिन कहते हैं बचपन में ज़िद्दी बहुत था। अच्छा। जो वालदा बताती हैं या जो और बुजुर्ग थे कहते हैं इंतहा से ज़्यादा ज़िद्दी था, मतलब कोई एक चीज़ अगर मांग लो तो फिर वही चाहिए मुझे, वही चाहिए। हाँ, वो अगर पानी गिलास में पड़ा है, पानी गिर गया तो वही पानी मुझे चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ें होती थी, अजीब सी जो बेवकूफ़ी की बातें थी। तो ये ज़िद्दी तबीयत की वजह से डांट और मार कितनी पड़ी बचपन? वालदा से तो बहुत पड़ी है। हाँ, वालिद साहब ने पिटाई नहीं की कभी, डांट पत होती लेकिन पिटाई नहीं की, पढ़ाई पर ज़्यादा जोर करते थे। पढ़ो जी बहुत ज़्यादा। कैसी बॉन्डिंग थी वालिद साहब से? बहुत ज़्यादा ठीक थी। वालिद साहब चूँकि थोड़ा सा सख्त मिजाज के थे, सुबह ख़ास तौर पर ज़्यादा मिजाज उनका गर्म होता था, तो उस वक्त से मैं ही था जो बात कर लेता था उनसे। अच्छा। वरना नॉर्मली घर में और कोई बात नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती जी। अच्छा, तो बहन भाई कितने हैं, उनसे कैसी बॉन्डिंग थी? मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी। अच्छा। तो हम सब मिला के 12 हैं माशाल्लाह, 6 बहनें 6 भाई। अच्छा। हाँ, तो सब बहन भाइयों से अच्छी बॉन्डिंग है? हाँ हाँ, माशाल्लाह सब ठीक है, अब तो सब मिलते हैं आपस में। जो जो दूसरी वालदा से हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्ती है किसी से होता है ना, कोई एक बहन भाई होता है इससे बहुत दोस्ती होती है, दिल की बात भी उसी से होती है। मेरा तो देखें, वालिद साहब की जब डेथ हुई ना 1995 में जी, तो मैं था 23 बरस का, बाकी सब उससे छोटे थे, तो ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि फिर उनकी एज कितनी होगी सबकी, तो काफ़ी छोटे थे वो, तो वो दोस्ती वाला माहौल तो नहीं रहा फिर, ज़ाहिर है कि वो मेरा तो वालिद साहब वाला रोल बन गया। तो फिर वो जब वाले साहब की डेथ हुई थी तो किसी की शादी नहीं हुई थी, आज अल्लाह का शुक्र है 12 के 12 जो है शादी होता है, बहनें भी और भाई भी सारे, तो फिर वो एहतराम का रिश्ता है, अल्लाह का शुक्र है सारे बहुत एहतराम करते हैं, इसी तरह करते हैं जैसे कोई वालिद के करता है अपना। 23 साल एक बहुत छोटी एज होती है, इतनी यंग एज में अपने वालिद को खोना, फिर तमाम बहन भाइयों की जिम्मेदारी, कैसा था वो वक्त और उस वक्त ने आपको तब्दील कितना किया? बहुत चेंज किया मेरी तो, मतलब ज़िंदगी बदल गई थी उस दिन से। मैं वालिद साहब के हवाले से, मुझे जब ये इनका वाक़या हुआ उससे कुछ अरसा पहले मुझे अजीब से ख्याल आना शुरू हो गए थे। अच्छा। कि अगर वालिद साहब हो गया तो हमारा क्या होगा खुद ब खुद। हाँ, तो मुझे जो पहला ख्याल आता था कि मेरे वालिद साहब कुछ हो तो शायद मैं मर जाऊँगा, मैं तो मुझे याद है एक मतलब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं हॉस्पिटल ले गया। अच्छा। तो उनको तकलीफ़ में देखा तो मैं बेहोश हो गया था, इतनी अटैचमेंट थी जी, मैं बेहोश होकर गिर गया, तो वो लोगों ने फिर मुझे भी एक स्ट्रेचर पर डाल दिया कि वालिद साहब तो बीमार थे, मुझे भी डाल दिया था, इतना ज़्यादा था, तो ये तो तस्वर ही नहीं था क्योंकि उनके बगैर जो है वो कोई जिंदा भी रह सकूंगा। लेकिन जब ये वाकया हुआ और मर्डर हुआ था जी, अच्छा, और ऑल ऑफ सडन हुआ, वो एक कमाते थे, पूरे घर को चलाते थे, तो जब ये हुआ अचानक से तो हम तो इस हवा में आ गए थे कि अब होगा क्या हमारा, तो उस वक्त एक चीज़ थी कि अब ज़ाहिर एक जिम्मेदारी है, अब एक तो वालिद साहब नहीं हैं तो या तो मैं वालिद साहब के कातिलों के पीछे जाऊं या फिर अपने घर को संभालूं। सही बात है। तो मैंने शायद केस को परसू तो किया, लेकिन ज़्यादा तरजीह मैंने दी कि मैं अपने आप को स्टेबल करूं ताकि जो फैमिली है वो ठीक हो जाए, तो मैंने स्ट्रगल की काफ़ी उसके बाद, स्ट्रगल की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बात यह है कि कोई भाई बिगड़ा नहीं, सब ठीक रहे, अब भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो तब्दीली बहुत बड़ी थी, और मतलब मैं समझता हूँ कि शायद लोगों की ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कमी आती होगी कि मतलब आपकी डायरेक्शन इधर है, अचानक से वाकया होता है आप किसी और तरफ चलना शुरू हो जाएं, और जो कुछ आपने नहीं सोचा था आप उस तरह की चीज़ों में चले जाएं। अच्छा। पॉलिटिक्स का मैंने नहीं सोचा था, नहीं सोचा था, नहीं नहीं, मैं तो वालिद साहब जिंदा होते तो मैं शायद छात्र ना होता। क्या सोचते थे बचपन में क्या बनेंगे? देखिए, वालिद साहब का तो ख्याल था कि पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे हालांकि वो खुद थे पॉलिटिक्स में, उनका ये ख्याल था कि मैं पढ़ूं लिखूं, मैं सीएसएस कर लूं कुछ इस तरह की, जहां इधर कहीं चला जाऊं, तो मुझे वो बैंक में मैंने नौकरी कर ली थी, बट वो मेरा नहीं था प्लान कि मुझे बैंक में नौकरी करनी, दिल से नहीं की थी, नहीं नहीं, बस वो था कि अभी करनी है, साथ साथ में लॉ भी कर रहा था, MBA भी कर रहा था, तो भाई पढ़ूंगा सीएसएस का एग्जाम दूंगा। लॉ की प्रैक्टिस की थी? नहीं, मैंने तो मुकम्मल ही नहीं किया, मुकम्मल ही नहीं किया, नहीं, वालिद साहब की डेथ हो गई तो फिर मैंने MBA भी मुकम्मल नहीं किया और लॉ भी नहीं किया, जिसका मुझे अफसोस है, जिसका मुझे अफसोस है, शायद वकालत कर लेता तो अच्छा वकील होता। आपको लगता है कि सियासतदान से ज्यादा अच्छे वकील होते हैं? ठीक है,
नहीं, अब वो तो देखें लोग बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन सियासत में नहीं चल सकते हैं। नहीं चल सकते। हाँ, तो जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल अनपढ़ होते हैं वो भी सियासत में कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सियासत का तालीम से कोई ताल्लुक है, ये एक अलग ही साइंस है पूरी। सही कह रहे हैं जी। कि तहम्मुल मिजाजी कहाँ से है, इतने बड़े बड़े तनकीद को, जुमलों को इतने ठंडे अंदाज में कैसे लेते हैं? तनकीद और जुमले तो छोटी चीज़ें हैं, ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको फेस करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बस शायद कुदरती है। कभी गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा आता तो है, ये तो इंसान तो हूँ ना बहरा। कैसा गुस्सा होता है आपका? गुस्से में मैं ज़्यादा खामोश हो जाता हूँ। खामोश हो जाते हैं? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए कुछ इजहार करता हूँ फिर खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, और शायद यही बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आप तोड़ फोड़ करें, गिलास तोड़े, दीवारें तोड़ें और गालम गलोच करें, तो वो मैंने नहीं करता। तो थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल करता हूँ, फिर तो खामोश हो जाता हूँ। तो वो आपका पीक होता है गुस्से का? हाँ। क्या आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? जब आप सियासत में आए, तब्दीली तो आई ज़िंदगी में, आपको आज कैसा महसूस होता है? माशाल्लाह आप मिनिस्ट्री है और वज़ीर तालीम है, आप बहुत ही ज़बरदस्त वजारत है, क्या सोचते हैं आप कभी अकेले में बैठ के क्या हो रहा है, ये कहाँ हूँ मैं? कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा सोचते हैं? देखिए, एक तो जब मैं पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं भी था ना, तब भी लोग ये कहते थे सियासत बड़ी बुरी चीज़ है, मतलब तोबा तोबा तोबा, बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, मेरा उस वक्त भी ख्याल था कि अगर बुरी चीज़ है तो क्यों बुरी है, लोगों की वजह से होती है ना। सही बात है। कि अगर कोई कहे कि जी सियासत बुरी चीज़ है, तो अगर अच्छे साफ़ी नहीं होंगे तो बुरे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ। अगर लोग कहें अदलिया बुरी चीज़ है तो इसलिए बुरी होगी, कुछ जजेस बुरे हैं, जजेस अच्छे होंगे तो अदलिया अच्छी हो जाएगी। अच्छे बुरे लोग होते हैं, लोगों की वजह से फिर वो शोभा जो है वो अच्छा है बुरा हो जाता है। बिल्कुल। तो अच्छे लोगों को सियासत में जाना चाहिए। मुझे एक मतलब याद है, मैं कॉलेज में था तो एक मैगजीन छपा करता था कॉलेज में, तो उससे पहले एक क्लास ले रहे थे तो एक टीचर थी हमारी, उन्होंने सियासत के मुतलिक बहुत कुछ कहा कि बुरी चीज़ है, ये है, वो है, सारी बहुत सारी बातें की। तो मैंने फिर उस मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा। अच्छा। अपना नाम बदल के। अच्छा। जी, मैंने नाम बदल के लिखा। तो मैंने फिर ये सारी कहानी लिखी कि जी हमारी टीचर थी वो हमें इस तरह बता रही थी, तो अगर टीचर्स हमें ये बताएंगे कि जी मत जाएं बुरी चीज़ें तो फिर बुरे लोग ही जाएंगे। तो टीचर्स को हमें इंकरेज करना चाहिए कि जी अच्छे लोग पॉलिटिक्स में जाएं ताकि स्पेस आप उसमें से लें, बुरे लोगों की स्पेस कम हो। तो फिर वो मैंने इस तरह से नाम बदल के इसलिए लिखा कि डर लगा रहा था कि अगर टीचर बाद में बताया टीचर को कि मेरा ही था, शायद बहुत ऐसी बात बताया। अच्छा, यानी कहीं दिल के कोने में ये चीज़ थी कि सियासत बुरी चीज़ नहीं है। नहीं नहीं, देखिए सियासत में इंटरेस्ट तो था इसलिए कि फैमिली पॉलिटिकल, फैमिली में था, फैमिली पॉलिटिकल थी ना। बिल्कुल। तो मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था तब मुझे जब ज़िया का मार्शला था तो वालिद साहब मुझे तो बताते थे कि फ़लाँ जो है ज़िया का जो कैदी है, मुझे अब भी याद है, हमारे एक सादिक उमरानी साहब हैं बलोचिस्तान में, हमारे वजीर भी रहे, वहाँ के प्रेजिडेंट भी रहे, काफ़ी मरूफ आदमी है। तो मार्शला के दौर में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल की, फौजी कोर्ट में वो पेश हुए थे, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बुकलेट आके दिया। अच्छा। और वो सादिक उमरानी का स्टेटमेंट था फौजी अदालत में। अच्छा। तो मुझे कहने लगे ये तुम पढ़ो। अच्छा। मतलब वो तो स्कूल के टाइम की बात है। सही बात है। हाँ, तो उस वक्त भी वालिद साहब तो खैर इसी से करते थे तो पता तो था सियासत का, लेकिन वो हयात होते तो शायद पॉलिटिक्स में इस तरह होता ना, होते दिलचस्पी थी, वोट डालते काम करते इलेक्शन में, वो अपनी जगह थी, लेकिन शायद शोभा मेरा कोई और होता तो यहाँ बस इस तरह से। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा होता है। मेरा साथ यही हुआ। तो शायद मेरा यहाँ अगर मैं कहीं और नौकरी कर रहा होता तो मैं तो ना सेनेटर होता, ना वजीर होता, ना कुछ होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह का लिखा होता कि वाले साहब के बाद मिस्टर आ गया। और मुझे तो सोच नहीं थी कि मैं सेनेटर बनूंगा किसी वक्त, लेकिन एक अजीब इतफाक़ की बात बताऊँ मैं, मेरे वालिद साहब ने सेनेट के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। उनको टिकट नहीं मिला था। अच्छा। मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया। मेरे वालिद साहब ने जिस सीट से मैं जीता हूँ दो मरतबा इलेक्शन लड़ा। अच्छा। दोनों मरतबा हार गया। अच्छा। एक मरतबा ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, एक मरतबा जनरल इलेक्शन लड़ा। मैंने एक मरतबा ज़िमनी लड़ा, मैं जीता, तो एक दफ़ा जनरल लड़ा, मैं जीता। क्या बात है। तो इत्तफाक है ये। बिल्कुल इत्तफाक के वाले साहब ने सेनेट की अप्लाई किया, नहीं मिला, मुझे मिल गया। वाले साहब उसी सीट से दो मरतबा लड़े, एक मरतबा ज़िमनी लड़े, एक दफ़ा जनरल लड़े, हार गए। मैं दो दफ़ा लड़ा, एक दफ़ा ज़िमनी लड़ा, एक दफ़ा जनरल लड़ा, दोनों दफ़ा जीत गया। तो शायद जो चीज़ें वाले साहब नहीं कर सके, नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला ने वो शायद मुझसे करवा ली, और शायद आज वो होते तो खुश होते बहुत। हाँ, फ़ख्र करते यकीन मेरा कर रहे होंगे। मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि मैं पहचाना उनकी वजह से जाता हूँ। आज भी जो लोग मुझे मिलते हैं, बिल्कुल, वो वालिद साहब का तस्करा ज़रूर करते हैं कि जी उनका बेटा है। तो ये बड़ा एहसास है। अच्छा सही साहब, लोग पार्टीज चेंज करते हैं और कुछ लोग तो इतनी मौसमी अंदाज से करते हैं कि जो पार्टी इकतदार में होती है उसी का हिस्सा बन जाते हैं।
आपके मामले में ऐसा नहीं हुआ, क्या बात है ऐसी? ऑफर तो होती, ऑफर तो होती नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ एक मरतबा किसी ने 2002 में शायद, मैं उस वक्त 2001 में मैं जीत गया था, यूसी का मैं नाज़िम था, तो 2002 में किसी शख्स ने आकर कहा कि जी एमक्यूएम ये चाहती है कि आप, मुझे नहीं पता उसको किसने कहा था, मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, तो उसने आके मुझे कहा जी एमक्यूएम चाहती है कि आप जो है ना उनके वो टिकट पे इलेक्शन लड़े ना एमपीए मैंने जो भी अब चाहे, तो मैंने जिस तरह से उसको देखा ना तो मैंने लव कुछ देखा, उसने कहा मैंने उनको पहले बताया था कि नहीं आएगा, आपने कहा देखा उन्हें गलती हो गई मुझसे, तो मैंने उसको कहा कि बस देखना था, मेरा कहना नहीं, मैंने उनको पहले बताया था नहीं आएगा, तो मैंने कहा भाई मैं ही ठीक हूँ, मुझे कोई एमएनएमपीए बनने का शौक नहीं है, तो मैं अभी बता दूँ इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है पार्टी के साथ है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझे कोई वक्त आया ना कि जी आपको कुछ और सोचना पड़े तो मैं सियासत छोड़ दूँगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, इतना लगाव है। हाँ मतलब उसकी वजह है ना। हाँ क्या वजह? देखिए मेरी ये, अब मैं एक तो वालिद साहब की वजह से पार्टी में उछले जो फैमिली का है अपनी जगह, लेकिन अब जिस उम्र के जिस हिस्से में हूँ या जितने मैंने सियासत समझ ली है, अब मैं सिर्फ वालिद साहब की वजह से नहीं हूँ, मैं शौरी तौर पर अपनी सोच की वजह से पार्टी में हूँ, अगर कहीं मुझे लगता है कि नहीं पार्टी ठीक नहीं है तो शायद मैं नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है, और जो स्ट्रगल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है, शहीद बीबी की है, आसिफ साहब की है, फिर चेयरमैन साहब जिस तरह लीड कर रहे हैं, ये किसी और ही दुनिया के लोग हैं, मतलब कभी तसव्वुर करें ना कि अगर मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ कि अगर मेरी फैमिली के साथ वो हो जो भुट्टो के साथ हुआ है तो क्या दोबारा आप सियासत करें? एक आम आदमी तो नहीं करेगा। और उनके पास ऐसा नहीं कि कोई खुदा ने दिया कुछ नहीं है, आराम से दुनिया के किसी भी मुल्क में अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, अच्छी तरह गुजार सकते हैं, लेकिन वो उस मुश्किल में है, तो अगर ऐसी लीडरशिप आपकी हो फिर जो जो अटैचमेंट है ना हमारी उनके साथ, मैं अक्सर लोग कहता हूँ ये ऐसा रिश्ता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता, बता नहीं सकते। अच्छा कि रिश्ता क्या है हमारा, इतना गहरा रिश्ता और बड़ा अहम वजारत आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या सोचा है, क्या असलाहत आप लाना चाहते हैं तालीम के शोबे में जो अभी हाल है? तो मैं अर्ज करूँ, मैं बड़ा खुशकिस्मत आदमी हूँ, सच्ची बात है, पीपल्स पार्टी में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, मेरा बड़ा हम्बल सा बैकग्राउंड है, फैमिली कोई बड़ी बड़ी नहीं है, गरीब ख़ानदान है, उससे मैं निकला तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, तो पार्टी की वजह से मिली मुझे इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी, लेकिन जिस जमात में इतने बड़े बड़े लोग हों, इतने बड़े बड़े नाम हों, उस जमात की लीडरशिप अगर आपको इतनी इज़्ज़त दे तो आपके लिए बहुत बड़ा एहसास है, तो मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में वजारत की कभी ख्वाहिश नहीं की, ये लीडरशिप की मेहरबानी है मुझे, अच्छा मैं उनको पता है, मेरी लीडरशिप को पता है कि अगर हम इसको कुछ भी नहीं देंगे ना तब भी ये इसी तरह काम करता है, मैं उसी तरह में काम करने ला दी, मुझे कह देंगे ना तुम एमपी बन के काम करो मैं करूँगा, मुझे कहते एमपी भी छोड़ दो वर्कर बन के काम करो मैं भी करूँगा, मैं आज कराची का सदर हूँ, कल मुझे कहेंगे तुम यूसी का सदर बना रहे, मैं यूसी का सदर बन के काम करूँगा, तो मैं इस तरह का पॉलिटिकल शिकवा नहीं, देखें एक तो मैं तो कहता हूँ एहसानात है ना भाई, अगर एक ऐसा आदमी जो किसी भी तनख्वाह पे काम करने को पार्टी में तैयार है उसको अगर आप वजीर बना देते हैं, सेनेटर तो ऐसी चीज़ है ना, पार्टी की अपनी मर्जी होती है, 35,000 रुपये में सेंटर बनाऊँ, लोग सुनाएगा अरबों रुपये लगाते हैं, तो अगर इतनी चीज़ें पार्टी आपके ऊपर वो कर रही है, अहतमाद कर रही है लीडरशिप का, तो ये बहुत बड़ा एहसास होता है, फिर ये मैटर नहीं करते। तो जहाँ तक बात है कि क्या करना चाहता हूँ, तो जाहिर है कि मुझे जितने डिपार्टमेंट दिए गए हैं तो कोशिश ही होती है कि डिपार्टमेंट पे कुछ बेहतरी आ जाए, इश्यूज़ बहुत हैं, देखिए पाकिस्तान भर में जितने भी महकमे हैं ना कोई भी महकमा आइडियल नहीं है, हर महकमे के अपने अपने मसाइल हैं। अच्छा हर वजीर जो आता है, कोई भी वजीर बदनीयती से नहीं आता, कोई ये सोच के नहीं आता कि मैंने महकमे को ख़राब करना है, कोशिश सबकी होती है कि ठीक करें, डायरेक्शन सबकी डिफरेंट होती है कि कोई किसी और अंदाज में ठीक करना चाहता है, कोई किसी और अंदाज में ठीक करना चाहता है, तो इसी तरह जब मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला तो इसमें भी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं काफ़ी, एक तासर जो बड़ा गलत था कि पीपल्स पार्टी के दौर में टीचर्स गलत भर्ती हुए, गलत है। अच्छा जो टीचर पहले भर्ती हुए ना हमसे वो गलत हुए हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि 100% अगर आप ना कहें तो 90% से ज़्यादा टीचर्स हैं अच्छे भर्ती हुए हमारे दौर में, तो अभी भी हम 46,000 के करीब टीचर्स अपॉइंट करने जा रहे हैं और पूरी पूरी कमिटमेंट है मेरिट पर करेंगे, कमिटमेंट है हमारी बिल्कुल, ये 100% वो हम करेंगे, तो ये अगर हो जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ट्रांसफर्स की पॉलिसीज़ हमने ठीक कर दी हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हमने ठीक कर दी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लान है हमारा, उसको हम लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। पेंडेमिक के बाद बहुत चीज़ें चेंज हुई, खासतौर पर ऑनलाइन
पे आ गई तालीम। बहुत सारे देही इलाके ऐसे हैं जहाँ तो चीज़ें ही नहीं हैं, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं। कितना मुश्किल हुआ आपके लिए, और कुछ तनकीद भी हुई कि जो वफाक फैसले करता है सिंध बिल्कुल उसके उलट करता है, और फिर एग्ज़ाम्स थे उस पर तो मैं बात करूँगी, लेकिन कितना मुश्किल हुआ ट्रेनिंग की आपने बात की, खुद टीचर्स की, खुद वालदैन की, बच्चों के लिए। देखें, एक तो ये बात हमें माननी चाहिए ना कि ये जो कोविड आया है उसने पूरी दुनिया को बदल कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, हम तो बहुत ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, बहुत पीछे हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से। जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी थे ना, वहाँ की तालीम भी बहुत मुतासर हुई, जिनके पास शायद वसाइल भी बहुत हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत है, हमारे पास वो नहीं है। तो एक तो किसी भी सूरत में जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो नेमुल बदल नहीं है उस फिज़िकल क्लासेस अटेंड करने की, कोई उसके रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो ये जो भी हमने अरेंजमेंट किए थे, ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था कि मिसाल के तौर पे आपके स्कूलों में 100 बच्चे पढ़ते हैं, 100 के 100 कट गए हैं, आप कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लें जिसमें से 10 15 20 बच्चों को कोई सहूलत मिल जाता है कि वो पढ़ना शुरू कर दें। तो जाहिर है कि मेजॉरिटी तो आपकी नहीं आ रही सिस्टम में, तो हमने कोशिश की, बहरहाल थोड़े बहुत एफर्ट किए, वो सबके सामने हैं, तनकीद तो होनी होती है। देखिए, कोविड के दिनों में हम कहते थे स्कूल बंद करो तभी तनकीद होती थी, हम कहते थे स्कूल खोलो तब भी तनकीद होती थी। अब अगर आपके हर फैसले पर तनकीद होनी है तो फिर आपको तनकीद को सामने रख के फैसले नहीं करने, सही, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ बच्चों के लिए बेहतर है, तालीम के लिए बेहतर है, उनकी सेहत के लिए बेहतर है। तो जो दूसरी बात आपने कही है कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट के बिल्कुल ही अलग वो करना है, वो ऐसा नहीं है। मैं ये बात आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब बच्चे प्रमोट हुए बगैर एग्ज़ाम्स के, तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ। बिल्कुल। कैम्ब्रिज में एहतजाज हुआ। बिल्कुल। सिंध में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने बेहतर फैसले किए ना, हमने वो नहीं किए जो बाकी सूबों ने किया, हमने मुख्तलिफ किया, और हम उनको कहते थे कि जी हम करेंगे अपने फैसले, लेकिन मशावरत हमारी इतनी ज़्यादा होती है, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पहलू देख के उसके बाद एक चीज़ फैसला करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता दुनिया की मुल्कों की, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे इर्द गिर्द हैं कि तमाम सूबों को देख लें, वफाकी हुकूमत को देख लें, जो कैम्ब्रिज के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनको देख लें, हर जगह एहतजाज हुआ था, सिंध में नहीं हुआ। सही। इस एग्ज़ाम्स के इशू पर भी हुआ ना पूरे पाकिस्तान में एहतजाज, सिंध में नहीं हुआ। हाँ। लोग कह रहे थे एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। लेकिन नवी दसवीं जमात के इम्तहान हुए और इतनी नकल हुई कराची समेत सिंध भर में कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए, टीचर्स ने नकल कराई, मोबाइल सामने रख के फुटेज सामने, क्या क्या किया आपने इस पर एक्शन? आप भी स्कूल कॉलेज गई होंगी। जी, मैं भी स्कूल कॉलेज गई। बिल्कुल। अगर आप ये कहें कि आपके दौर में नकल नहीं होती तब भी गलत है, अगर मैं ये कहूँ मेरे दौर में नहीं होती तब भी गलत है, होती थी बहरहाल, ठीक है ना। अब चूंकि ज़माना बदल गया है, मीडिया बहुत आ गया है, सोशल मीडिया बहुत है, तो चीज़ें ज़्यादा उजागर होकर आ जाती हैं। अब गम पैमाना नहीं बना सकते उससे ज़्यादा थी या कम थी, लेकिन गलत है, उस वक्त भी गलत थी, आज भी गलत है। मुझे याद है कि 2-3 साल पहले जब ये नकल का बहुत ज़्यादा इशू उठा था, उस वक्त कुछ स्टेप्स लेने की प्लानिंग की गई थी। अच्छा अच्छा, ये ऐसा काम है कि आप इसको ये नहीं कर सकते कि जी अब जो अगला इम्तिहान होगा उसमें कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ कमी ज़रूर आ सकती है लेकिन होगा। जब तक कि आप कोई बड़ा मतलब फूल प्रूफ सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस ना करा दें और चीज़ें ऐसी कर दें कि बच्चों के लिए पॉसिबल ही ना हो कि कर सकें, उस वक्त तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इसलिए कि इतने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लाखों के तादाद में बच्चे होते हैं, फिर कई जगहों पे बदकिस्मती से पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हज़ारों की तादाद में टीचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी सतह पर जब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो तो बहुत आसानी से उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन हम प्लान कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और इसमें एक जो इशू शायद आ जाता है जो शायद हमारे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें प्रॉब्लम है कि 9वीं और 10वीं के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो बोर्ड्स करवाते हैं जी, और हमारे यहाँ बोर्ड्स का जो महकमा है वो अलग है और एजुकेशन का महकमा अलग है। अच्छा, यहाँ आके प्रॉब्लम होती है, तासुर ये होता है कि जी महकमा तालीम नाकाम हो गया है। सही। अच्छा, महकमा तालीम हमारे पास है, हम बराए रास्त उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते इसलिए कि महकमा अलग है। अच्छा। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि इसको किस तरह से हम आपस में ज़रा इनकी जो कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कि ये जो गलतियाँ ये ना हो सकें, चीज़ों को बेहतर करें, पेपर लीक आउट हो जाते हैं। इस पर मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, एक पेपर लीक आउट होता है तो आप पहुँच जाते हैं साइबर क्राइम के थ्रू कि कहाँ से हुआ, हर पेपर लीक हुआ व्हाट्सएप पे आया उस पर उसमें हाँ उसकी वजह जो है ना, पेपर भी सैकड़ों मराकज़ पे जाता है, और अगर आप गौर करें तो ये जब पेपर आउट होता है
मुझे याद है कि पहले किसी जमाने में रात में उठ जाते थे, जी 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 अक्सर, ठीक है, रात में निकल जाते थे, सुबह पेपर होता था, जी जी जी। इस मरतब अगर आपने गौर किया हो तो ये पेपर आपका आउट होता था सुबह 9 बजे, जी जी 9 बजे जो पेपर का टाइम होता है उससे 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद उस वक्त ही निकलता था। अब वो पेपर जो है वो सैकड़ों सेंटर्स पे जाता है और जैसे ही वो उसकी सील खुलती होगी तो जाहिर है कि वो डिफरेंट हैंड्स में जाती हैं कॉपियाँ, तो वहाँ से हो जाता है। तो ये चैलेंज है बहुत बड़ा, मैं बताऊँ, और हर गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई ये कहे कि यहाँ हो रहा है ये गलत है, हर जगह होता है, पूरे पाकिस्तान में होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम इस पर गौर कर रहे हैं कि एक तो MCQs बेस्ड पेपर कर लें, टाइमिंग कम हो जाए, और एक और भी मसला होता है कि जब वो पेपर चेक होने जाते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी जिस तरह मैंने बताया टीचर्स का जो हम कर रहे हैं अपॉइंटमेंट जो कर रहे हैं उसके अंदर भी इंश्योर कर रहे हैं कि विद इन 24 आवर्स जो है वो रिजल्ट आ जाए उनका टीचर्स का, ताकि मैनिपुलेशन का टाइम ना मिले किसी को। तो वाकई ये बहुत चैलेंजिंग है और होपफुली इंशाल्लाह आप ऐसा कर लेंगे, और हमारी दुआएं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। आपको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, और आप सबको बहुत ईद मुबारक। एक छोटा सा पैगाम मेरी तरफ से और सईद साहब की तरफ से कि ईद पर अपना तो ख्याल रखिए, लेकिन गोश्त उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो सारे साल गोश्त शायद नहीं खा पाते। तो इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए और अपना भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।